हाय फ्रेंड्स, तो आज आपको मैं एक नया वेरिएशन सिखाता हूँ तीन पत्ती का, जिसका नाम है ब्लैक जैक। ब्लैक जैक की ब्रीफिंग मैं आपको कर देता हूँ। ब्लैक जैक में क्या होता है कि डीलर जो है सारे प्लेयर्स को दो दो पत्ते डिस्ट्रीब्यूट करता है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो उन दो पत्तों का सम है या दो से ज़्यादा पत्तों का सम है वो 21 आना चाहिए या उससे कम आना चाहिए। अगर आप 21 को एक्सीड करते हो तो आप ऑटोमेटिकली बर्स्ट कर दोगे। अब अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे डीलर दो दो पत्ते सबको डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब हमारा ऑब्जेक्टिव इसमें 21, जिसका सम टोटल हो जाता है ना, वो एक बेस्ट हैंड कहलाता है। मतलब 21 में आपकी जीत तय है। अब लेट से यहाँ पे इनके दो पत्ते हैं, इक्का और देहला। तो 1 + 10 = 11 होता है। पर यहाँ पे एक स्पेशल रूल है ओनली फॉर इक्का, कि अगर आपके पास इक्का आता है तो आप इक्के को एक भी मान सकते हो और 11 भी मान सकते हो। तो इक्के को अगर मैं 11 मान लूंगा तो 11 + 10 = 21 हो जाएगा। मतलब ये एक बेस्ट हैंड बन जाता है ब्लैक जैक का। सेकेंड अपन एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे 9 और 4 13 हो रहा है, 9 और 4 13 हो रहा है। तो यहाँ पे उसको अगर 8 आ जाए तो 21 बन जाएगा। तो यहाँ पे एक बार जब सारे पत्ते डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं प्लेयर्स को, तो डीलर एक एक से पूछता है कि क्या आपको पत्ता चाहिए। जैसे अब ये बोलेगा उसको पत्ता नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 21 बन चुका है, अब यहाँ पे 13 है। तो ये एक चांस ले सकता है कि अगर इसको 8 आ जाए या 6 7 आ जाए तो ये क्लोज हो जाएगा 21 के। तो ऐसा करने से पहले एक रूल होता है कि जो भी पर्सन को पत्ता चाहिए उसको एक चिप्स रखना पड़ता है टू बाय द पत्ता। अब ये पत्ता आया है जोकर, जोकर अभी हम हटा देते हैं, ये भी जोकर है हटा देते हैं। अब आया 13, 9 + 4 13 + 3 16। तो यहाँ पे एक और चिप्स रख के ये एक और पत्ता ले सकता है। तो 4 4 8, 9 और 8 17 और 3 20। तो अब यहाँ पे ये स्टे कर लेगा क्योंकि अगर एक पत्ता और लेगा तो ये 21 से क्रॉस कर देगा और वो बर्स्ट हो जाएगा। सेम फॉर यहाँ पे थर्ड केस में 13 + 6 19 हो रहा है। तो 19 इज़ वेरी क्लोज टू 21। तो अगर कोई पत्ता लेता है तो ये 5, अब ये 21 को क्रॉस कर दिया तो ये बर्स्ट हो जाएगा। इसमें जब भी हम गेम खेलते हैं तो दो प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस होती है पत्ता लेने वाली प्रोसेस। एक बार सारे कंटेस्टेंट या तो पत्ता ले लेते हैं या स्टे कर लेते हैं, उसके बाद एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है। तो फिर अब स्टार्ट होती है बिडिंग। फिर ये बोलता है कि हाँ ये बिड करता है, ये पैक होता है या ये बर्स्ट होता है। उसके अकॉर्डिंग जिसका 21 या 21 से क्लोज, मतलब उससे कम में जिसका क्लोज होता है वो ब्लैक जैक का विनर होता है। अगर 21 एक्सीड होता है तो आप हार जाते हो। और हमेशा इक्के का स्पेशल रूल याद रखना कि इक्के को हम एक भी मान सकते हैं और 11 भी।